हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइज, आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट, जहां बात करेंगे द रॉकी डब्ल्यूडब्ल्यूई वापसी के ऊपर एक बड़ी अपडेट के बारे में। इसके अलावा बात करने वाले हैं एजे स्टार के समर स्लैम 2018 के अपोनेंट के बारे में भी, और साथ में बात करेंगे रोमन रेंस के नवे यूनिवर्सल चैंपियन बनने के ऊपर एक बड़ी अपडेट के बारे में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले द पीपल्स चैंप रॉक की वापसी के ऊपर एक बड़ी अपडेट के बारे में। लास्ट मैच था द रॉक का डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो था रेसलमैनिया 32 में, जहां पर उन्होंने फेस किया था एरिक रोमन का एक वन ऑन वन मैच में। इस मैच में जीत हुई थी द रॉक की, जिसके बाद से रॉक हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाई नहीं दिए, ना ही उन्होंने एक भी मैच अपना लड़ा। जिसके बाद अभी रूमर्स का ये मानना है हमें उनकी वापसी दिखाई देगी रेसलमैनिया 35 के बाद, क्योंकि अभी फिलहाल एक मूवी की शूटिंग कर रहे हैं, जिसके कारण वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा द रॉक ने अपने रिसेंटली इंटरव्यू में यही बात कही है कि वो जल्दी अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी करेंगे, क्योंकि जब भी वो किसी से मिलते हैं वो हमेशा रॉक से यही पूछते हैं कि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी वापसी कब करोगे। जिसके बाद रॉक का ये कहना है वो जल्दी हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी वापसी करते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें दूसरे अपडेट की, जो लीडर है करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द फनामिनल एजी स्टाइल के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो हमें दिखाई देगा समर स्लैम 2018 में। अभी फिलहाल उनका मैच होने वाला है एक्सट्रीम रूल्स 2018 में, वो है एजी स्टाइल वर्सेस रूसेफ के बीच एक वन ऑन वन मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। और रूमर्स का यह मानना है इस मैच में हमें एजी स्टाइल अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं बात करें समर स्लैम 2018 के अपोनेंट के बारे में, तो रूमर्स का यह मानना है हमें यहाँ पर एजी स्टाइल अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आने वाले हैं द डिस्ट्रॉयर सामोआ जो के अगेंस्ट। लेकिन वहीं बात करें हम लास्ट ऑफ फाइनल बिट की, जो लीडर है द बिग डॉग रोमन रेंस और द करंट यूनिवर्सल चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। अब डेव मेल्जर ने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि समर स्लैम 2018 में हमें ब्रॉक लेसनर जरूर दिखाई देने वाले हैं, और यहाँ पर अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि उनका अपोनेंट कौन होने वाला है। लेकिन रिसेंटली जब बैटिंग और सामने आए हैं एक्सट्रीम रूल्स 2018 पे, वहाँ पर उनका ये मानना है हमें रोमन रेंस हराते हुए नजर आएंगे बॉबी लैशली को, जिसके बाद शायद हमें रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच समर स्लैम 2018 में, और ये मैच होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जहां पर फाइनली द बिग डॉग रोमन रेंस हमें नए यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए नजर आने वाले। चाहे इसके बाद द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन क्यों ना कर दे, क्योंकि रूमर्स का यही मानना है समर स्लैम में ही हमें ब्रॉन स्ट्रोमन अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो मैच है वो लेते हुए नजर आएंगे, जब वो कैश इन कर देंगे अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। और इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक और बार फिर से वो रही पुरानी राइवलरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच। लेकिन इस बार ये राइवलरी होने वाली है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा रिसेंटली कुछ नेम सामने आए हैं जो कि हैं फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन के, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है वो है द बिग डॉग रोमन रेंस, और इसके बाद जो नाम है वो है द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन का। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आप कौन सा देखना चाहेंगे नया यूनिवर्सल जो क्राउंड हो समर स्लैम 2018 में। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर अपडेट्स, रिजल्ट्स, कार्ड प्रेडिक्शंस और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलते रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।